नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर बायराकी, आप सबका स्वागत करती हूं। गलतियों पर साथ छोड़कर जाने वाले बहुत मिलेंगे, पर गलतियों को समझाकर आपका साथ देने वाले कम मिलेंगे। जी हाँ, आज आपके बहुत सारे व्हाट्सएप आए हैं जिस पर आपने मुझे वीडियोस बनाने के लिए कहे। आज इस छोटी सी वीडियो में मैं तीन व्हाट्सएप्स के जवाब दूंगी, तीन वीडियोस बनाऊंगी। सबसे पहली बात, झूठी कसम के साइड इफेक्ट्स के बारे में राखी जी बताइए। पता है, यूं तो कसमें खाने से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें किसी की भी कसम झूठी नहीं खानी चाहिए। क्यों? आज मैं आपको ऐसी कमाल की बात बताऊंगी जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी। किसी की कसम खाने से कोई मरता वरता नहीं है, ये बात सच है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस टाइम आप किसी की कसम खा रहे हो और उसी टाइम 24 घंटे में से एक बार सरस्वती माँ आपके मुंह पर बैठी हो, यकीन मानिए वो इंसान बड़े कष्ट में आ सकता है। कई बार मौत केवल शरीर को छोड़कर नहीं होती, जीते जी आपको इतना कष्ट हो रहा हो कि मृत्यु तुल्य कष्ट आप पा रहे हो सिर्फ आपके अपनों की झूठी कसम खाने की वजह से। तो दोस्त, वो भी गलत है। बचपन में याद है हम कहते थे, हरे बाग में हरी सुपारी, हनुमान ने कसम उतारी। हॉस्टल में जब पढ़ते थे तो हम एक दूसरे के साथ यही करते थे। एग्जैक्टली, एक दूसरे की खूब झूठी झूठी कसमें खाते थे। और फिर तूने मेरी झूठी कसम खाई, पल तूने कसम खाई थी, अब तू मुझसे बात नहीं करेगी, और एक घंटे बाद हमारी दोस्ती हो जाती थी। तो हम ऐसे ही कसमें उतारते थे, ऐसे हाथ करते थे, फिर वो बोलती थी हरे बाग में हरी सुपारी, हनुमान ने कसम उतारी, और टक करके कसम टूट जाती थी। ये सिर्फ बचपना और फिल्मी बातें हैं, हकीकत में एक बार चढ़ी हुई कसम कभी नहीं टूटती। और कसम क्या होती है? कसम वो होती है जो तोड़ी ना जाए। लेकिन कायदे से कसमें ही सबसे ज्यादा टूटती हैं। आज मैं आपको एक बात बताऊं, कसमें खाने वाले बात बात पर मेरे बच्चों की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, ऐसे इंसानों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि ऐसे इंसान धोखेबाज, झूठे और बेवफा होते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें कभी किसी की कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई बार ना मुंह से गुस्से में कसम निकल भी जाती है। हर बार इंसान झूठा नहीं होता, कई बार इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि अपने आप को सच बताने के लिए, सही साबित करने के लिए वो मुंह से बोल जाता है। लेकिन कसमों को उतारने के कोई भी तरीके नहीं होते, कसमों के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। लेकिन पहली और आखिरी बात, कसम खानी ही नहीं चाहिए।